हेलो गाइस, नमस्ते वनक्कम। मैं हूं राहुल त्यागी और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आज अपने दो चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ। तो आज मैं हूं ये जो प्लेस, जो अभी अब मैं गाड़ी में चल रहा हूं, और जो ये प्लेस है ना, वो है नॉर्थ इंडिया के राजस्थान स्टेट में अलवर सिटी के पास एक सरिस्का, एक रिजर्व टाइगर, एक जगह है। वहां पर हम लोग घूम रहे हैं अभी फिलहाल में। वो आगे की वीडियो में आपको मैं आप दिखाऊंगा उसमें, अगर हम लोग अंदर की साइड गए। बाकी एक चीज और है यहाँ पर, एक फेमस प्लेस, यहाँ पे तो काफी फेमस प्लेस है। राजस्थान तो फेमस ही है सब चीजों के लिए वैसे भी। और एक जो पर्टिकुलर प्लेस जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट, जो लोग उसके को बहुत जानते हैं। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आप डाल लो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, इनमें से एक एक भानगढ़ फोर्ट करके एक जगह है जहाँ पे आज हम जा रहे हैं। तो मैं आज बहुत काफी टाइम बाद में अपने ये वीडियो अपलोड करूंगा। काफी कुछ चीज थी जो इधर उधर हो गई थी, तो मैं काफी टाइम लग गया अपना नया वीडियो अपलोड करने में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, बाकी भानगढ़ के पहुंचने के बाद फिर आपको आगे का दिखाते हैं वो फोर्ट, और उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। जितना भी मेरे को पता होगा उतना कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पता चले। बहुत अच्छा है। टेम्परेचर तो यहाँ पर अभी है 24 का और टाइम है अभी 1:10। चलिए अभी पहुंचते हैं फिर वहां पर। हेलो गाइस, तो हमने अभी आधी डिस्टेंस पूरी कर ली है भानगढ़ तक पहुंचने के लिए। जो मेरे पीछे आप फोर्ट देख रहे हो वो है अजबगढ़ का। वो इतना हॉन्टेड नहीं है एज कम्पेयर टू दी भानगढ़ फोर्ट। तो ये मैं आपको बस दिखा रहा था। अब हम लोग वहां पर जाएंगे तो उसका वीडियो डिटेल में आपको बताएंगे पूरा वहां पर क्या क्या सीन है। अभी मैं अपने दोस्त बचपन के दोस्त सुमित के साथ खड़ा हूँ। इस एरिया से ये पूरे वेल नोन एरिया है इनकी नजर में। तो यहाँ पे हमारे जो ये मित्र है, यहाँ पर जो ये फ्रेंड है, ये बैंक में कार्यरत है, तो वो बाकी पर्सनल डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो बस इतना ही काफी है। तो ये हमारे मित्र आज हमको ये पूरी पूरी जगह घुमाएंगे। आप देखिए ये पूरी पर्वतमाला जो आप देख रहे हो ना, बारीकी से देखोगे ना, बहुत अच्छी जगह है। अभी यहाँ का टाइम हो चुका है 2:35 और हम लोग यहाँ पर घूमने के आए हैं। टेम्परेचर बड़ा एम्बिएंट टेम्परेचर है, आप बड़े आराम से यहाँ पर घूम सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। अच्छे यहाँ पर रिजॉर्ट है। वो रिजॉर्ट के क्या नाम है, क्या डिटेल है, वो मैं आपको अपने वीडियो की डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो जाकर। तो मैं और चौधरी साहब बचपन के फ्रेंड हैं, वो बाकी हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और जो हमारे वीडियो हमारे बना रहे हैं वो हमारे दोस्त है सिद्धार्थ सिद्धू। तो मैं आपको अच्छा यहाँ पर लग रहा है एकदम, बिल्कुल स्वच्छ और क्लीन एयर। आप यहाँ के एकदम आओ, फैमिली के साथ स्टे करो, बहुत अच्छी जगह है। ये देखो पास में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जगह। ये आज की डेट में जो प्लेस है ना गाइस, बहुत फेमस हो चुका है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ के, ये गांव का एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग रहते हैं। उनको इस गांव वालों का, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो सबसे मेन आना जाना और खाना पीना इन्हीं लोगों का ही। तो गाइस अब हम लोग पहुँच रहे हैं उस भानगढ़ की तरफ में, और आपको आगे दिखाते हैं फिर हम लोग। राजस्थान का अलग ही स्टार्ट हो गया, वही पुराने पुराने घर आप देख सकते हो दोनों मेरे लेफ्ट और राइट पे, और एक देख सकते हो कितना राजस्थान, कितने पुराने पुराने घर से जाना जाता है। आप देख रहे हो छोटे छोटे पुराने पुराने घर बने हुए, विंटेज टाइप से लुक, ऐसे घर तो कहीं देखने को भी नहीं मिलते आज की टाइम। राजस्थान
पाकिस्तान में विरासत अभी भी बाकी है गाइस, बने रहो मेरे यूट्यूब चैनल और दिखाता हूँ मैं आज के टाइम आपको बहानगढ़ की अजीब जब कहानियां। एंट्री गेट है ये, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। टिकट घर देखिए 20 रुपीज़ का टिकट है और ये मेन एंट्री गेट, फर्स्ट एंट्री गेट ये है। देखिए बाहर की साइड पे हमारे कितने लोग घूमने आते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं फोर्ट के अंदर, नहीं पहुँचे फोर्ट का जो एरिया है, ये चारों तरफ से जो पहाड़ के चारों तरफ से जो पहाड़ों से घिरा हुआ ये फोर्ट है ना, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ से फोर्ट कम 1.5-2 किलोमीटर अंदर की साइड है ये, यहाँ से हमने एंट्री की थी और ये फोर्ट की तरफ को जाने वाला रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। तो मैं 2-3 चीज़ें मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भानगढ़ का फोर्ट का इतिहास क्या है, ये प्रसिद्ध क्यों है, ये उनका हॉन्टेड क्यों है, डरावना क्यों है, मतलब ये खंडर क्यों बन गया, इसके अंदर कौन कौन से टेंपल हैं, इसकी तबाह होने की कहानी क्या है, रत्नावती कौन है, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट राइट में मार्केट बताते थे, बाजार यहाँ पर लगता था और जिसके बारे में आप एक वो था ना जो यहाँ का तांत्रिक था वो वहाँ रहता था। वो देख रहे हो वो सीट, वो वहाँ की साइड से वो ऑब्जर्व करता था यहाँ की रानी रत्नावती को। पूरी कहानी है, आप गूगल पर देखोगे ना भानगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको बहुत मतलब कुछ नहीं डिटेल मिलेगी मिलेगी। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। गाइज ये देख रहे हो ये भानगढ़ फोर्ट है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में ये है, 16th to 17th century के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। राजा भगवत दास ने अपने बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए कराया था और उनकी पत्नी थी राजकुमारी रत्नावती। भानगढ़ फोर्ट इस अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेली और अवशेष भी दिखते हैं। और भानगढ़ मैं आपको बता दूं, भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ भूत रहते हैं, सूर्य उदय से होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भानगढ़ फोर्ट में आने जाने की मतलब परमिशन नहीं है। ये फोर्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, चलते चलते थक गए, थकान भी हो चुकी है, फिर भी आपको बताते हैं। ये रहे हमारे चौधरी साहब, आधा किलोमीटर चले नहीं, फूफा स्टार्ट हो गई है। दो लोग जो साहब बैठे हुए, दिखाता हूँ यहाँ मार्केट का छोटा सा, इसकी साइड से हम एंट्री कर रहे हैं, आगे की साइड ये जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीढ़ी छोटी छोटी पैड़ी बनी हुई है, देखो आप ये सारी पुराने टाइम में, अब तो खैर टूट चुका है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। ये पहले छोटी छोटी कभी दुकानें या शॉप हुआ करती होंगी जो यहाँ कभी बाजार लगता था साइड में। धीरे धीरे बाहर की तरफ मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। देख रहे हो टूटा हुआ पूरा महल सा। सुमित अभी हमें वहां भी चलना भाई, वो कैसे पहुंचेंगे यार ऊपर? नहीं मैं तो चली जाऊंगा, सुमित कैसे चलेगा? कम से कम एक जो मेन गेट है वहाँ से आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो जो मार्केट सी थी उसके बाद धीरे धीरे आप आओगे तो आगे की तरफ। ये दोनों की साइड में आधा किलोमीटर का डिफरेंस होगा। ये जो फोर्ट है पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये खंडित टेंपल है जिसमें काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है। मुझे तो एक दो मूवी के नाम याद है, सिर्फ करण अर्जुन के कुछ पार्ट्स यहाँ पर सीन क्रिएट किए हुए हैं। और वो बैक साइड में टेंपल है जो यहाँ से कम आधा किलोमीटर अनसाइड मतलब अंदर की तरफ और जाना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये अंदर की साइड से टेंपल ये दिखाता हूँ,
ठीक है, जो खंडित है थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हो, देख रहे हो कितने सारे यहाँ पर मंकी और लंगूर भी हैं, वही देखो। और ये मंदिर के अंदर की साइड का कोर्टयार्ड है, अब हम एंट्री कर लिए। ये खंडित मंदिर है, उस टाइम का बना हुआ, आप देखिए। मेन देखिए इसमें भी कलाकृति और यहाँ का स्ट्रक्चरल टेंपल का कैसा हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हो, ये एंट्री गेट है, सेकंड एंट्री गेट। और यहाँ से स्टार्ट होता है भानगढ़ के फोर्ट का मेन। आप ये देख रहे हो, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा कि भानगढ़ का फोर्ट है। आगे चलते हैं, ऊपर से आपको धीरे धीरे दिखाएंगे एक साइड पर। सिद्धार्थ गाइज, अब ये जो देख रहे हो ना, ये गोपीनाथ टेम्पल है, जिसका जो आप आउटसाइड का व्यू देख रहे हो। चलते हैं अंदर की साइड से। मतलब ये अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो ये मंदिर खंडित है, इसमें कोई पूजा नहीं होती है। आप ये देख रहे हो, यहाँ भी कभी मूर्ति हुआ करती होगी शायद, ऐसा कुछ इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। कुछ कहीं की साइड में कुछ ऐसा कुछ पता लगे कि यहाँ पर कौन सी टेम्पल है, किसका है, ये तो पता है। अब देखिए यहाँ भी अंदर की साइड की जो मेन जगह है, यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है। ये भी गणेश जी की खंडित मूर्ति है। आप देखिए ये ऊपर की साइड में आर्ट वर्क बड़ा शानदार है, लेकिन मेंटेन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटेन ASI इसको कर रही है। अब ASI जो जैसा ही है वैसा का वैसा इसको रहने दे रही है, कुछ इसमें ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है दिखाने के लिए। अब और एक चीज़ आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, बताते हैं। जो वो तांत्रिक था जो इस पूरे फोर्ट पे नज़र रखता था, उसका वो ऊपर रहने की जगह थी इस फोर्ट्स। वैसे तो ये पूरा फोर्ट जो है ना, अरावली हिल्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखोगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बहुत सेफ ये फोर्ट है। लेकिन इसके अंदर जो इतने भी टेम्पल है ना, चार टेम्पल हैं, उनमें शायद एक टेम्पल है, बाकी सारे खंडित है। यहाँ तो पहले पब्लिक भी नहीं आया करती थी, अब तो काफ़ी पब्लिक आने लगी है। टेम्पल की बैक साइड आप देख सकते हो, साउथ के टेम्पल से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नॉर्थ साइड के टेम्पल है, लेकिन टेम्पल तो टेम्पल है, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल की आप देखोगे गौर से, बहुत डिफरेंस है वहाँ पर। साउथ में और थोड़ा बारीकी से काम करा हुआ गया टेम्पल में, ये थोड़ा अलग है। उस टाइम का बनाया हुआ, 5वीं सदी का बनाया हुआ ये टेम्पल देख सकते हो आप। और एक टेम्पल वो देख रहे हो, टेम्पल वो है उधर साइड में, तो आप दिखा रहा हूँ ये, वो देखिए। ये सारा कंट्रोल ASI के में आर्कियोलॉजिकल वाले डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और अभी उस आगे साइड में जाना है वो टेम्पल। आप ये आप देख रहे हो ना, ये फोर्ट, ये मेन फोर्ट है। लोग वहाँ पर घूम रहे हैं धीरे धीरे, देख रहे हो आप। तो यहाँ चलते हैं फिर आगे की साइड में, थोड़ा बारीकी से जाते हैं। आपको थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखोगे तो बाहर से देखने में कैसा दिखता है। ऐसा है इसके चारों तरफ का, आप देखिए। मैं एक पैनोरामिक शूटिंग फोटो वीडियो बनाता हूँ उसकी। सामने सूरज है, एक टेंपल की साइड में खड़ा हूँ, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो रानी रत्नावती थी, बताते हैं इस महल की जो रानी थी, वो जो तांत्रिक था वो वहाँ पर रहता था। वो आप देख रहे हो कुछ जादू करने वाला था। इसकी पूरी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, जाके बस गूगल पर पढ़िए डिटेल में। बताते हैं कि वो उसको बड़ा पसंद करता था, उसको पाना चाहता था, उसके लिए काफ़ी उसने तांत्रिक वाली एक्टिविटी करी। तो उसके बाद उसको शराब मिला, इस AGA को शराब मिला काफ़ी, फिर भी ये पूरा धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया। इस फोर्ट को घूमना इतना आसान नहीं है। ये देखिए, लोगों ने यहाँ का जाने का रास्ता बना रखा है, लोग जाने वाले लोग भी इतनी ऊपर तक भी जाते हैं। आप देखिए, हम तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ तक लोग जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये रास्ता बना हुआ है यहाँ की साइड में। मैं छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी बस ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं आपको डिटेल में जाके काफ़ी, क्योंकि ये फोर्ट इतने बड़े एरिया में बना हुआ है कि इसको कम से कम 4 से 5 घंटे घूमने के लिए चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जिस टेम्पल में मैं खड़ा था वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बैक साइड में। ये देखिए, इसका फ्रंट मैंने आपको दिखाई दिया था अपनी वीडियो में,
जल्दी जल्दी एरिया ये कैप्चर करता हूँ। अब ये जो गेट आप देख रहे हो ना, ये अब मेन गेट है फोर्ट का। अभी थक गए हैं भाई, अभी आपको दिखाते हैं आगे। धीरे धीरे चलिए, मेन गेट के अंदर हम लोग आ गए हैं। दिखाता हूँ एस एन साइट ऑफ पानगढ़, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेन एंट्री इस तरीके का जाने का रास्ता है। देखिए राइट साहब, घूम सकते हो। 5:30 बजे है, बंद होने का टाइम है। आप उससे पहले आओ और विजिट करो। और ये आपको दिखाता हूँ एक्साइट से जहाँ से हम लोग आ रहे थे, वो ये रास्ता है। एंड थक गए हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये टेंपल की साइड में जाता है। दूसरा वो जो बना हुआ है, एक दिखाता हूँ यहाँ से आपकी साइड में, वो देखिए। ये पूरी चढ़ाई है यहाँ से यहाँ तक। ये जो फोर्ट बना हुआ है, इसके पीछे पूरी कहानी है। उस कहानी की डिटेल में, वीडियो की डिटेल में भी आपको बताऊंगा एंड में। भाई मैं यहाँ घूमने के लिए आया हुआ था और मेरे साथ राजकुमार भैया मिले, मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर। तो उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं इनसे यही आग्रह करूँगा कि मेरी जो चैनल है आगे की तरफ फॉरवर्ड करें लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो मैंने इनिशियली है, जानते हैं, पानगढ़ फोर्ट में मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए फिर मैं आगे का जो वीडियो है वो कंप्लीट करता हूँ गाइस आपके साथ। थैंक यू भैया। ओके बाय। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब ये फोर्ट का जो गेट है मेन, अब राइट साइड में आपको दिखाता हूँ कुछ अंदर की साइड में। काफ़ी छुपी छुपी जगह सी यहाँ पर बनी हुई है। चलिए आगे की साइड से ये भी देखते हैं, इसका एक आउटर व्यू देखते हैं। अब बहुत अंदर आने के बाद यहाँ से ये कैसा दिखता है अभी देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर आपको ऊपर भी चलूँगा अभी ऊपर की साइड से, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा खासा मेंटेन करा हुआ है। ये जो यहाँ पे हमने एंट्री करी थी, ये काफ़ी ये मेन गेट फोर्ट का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल एंड में फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर। आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का वहाँ से, और एंट्री गेट जहाँ से हम लोग आए थे वो, और फोर्ट में आने का रास्ता ये है। चारों तरफ का व्यू, और रत्नागिरी वाला रत्नावती वाला टेंपल आपको दिखाता हूँ। सब टूटा वूटा पड़ा है। लोग वहाँ तक भी घूम रहे हैं चारों तरफ। ये टॉप वाला हिस्सा है इस फोर्ट का, इस किले का। लोग आगे तक ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। देखो कुछ है ये पूजा करने वाला कुछ, अभी भी यहाँ शायद लोग मानते हैं। जय माता दी, रानी रत्नावती। आप देख रहे हो सामने, साफ साफ देख सकते हो रानी रत्नावती जी लिखा हुआ है, ये नाम पे। आप देखो ये क्लियर, ये एक छोटा सा पार्ट जो अंदर के फोर्ट के टैप ऊपर बचा हुआ है वो ये पार्शन है। देख रहे हो ऊपर जाने का रास्ता इस टेम्पल में, यहाँ से लोग जाते हैं धीरे धीरे। मैं भी जा रहा हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए, कंप्लीट आपको वीडियो दिखा पाऊँ ऊपर से टॉप पे। सब वैसे तो आज के टाइम में सब टूट चुका है। इधर से जाने का रास्ता है और एक उधर से जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो। ये आप ये देखो, आपको वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए। आप उस फोर्ट से भी टाइप के ऊपर, हम लास्ट टाइम इस टेंपल में भी गए थे। फोर्ट का एंड हो चुका है यहाँ पर। ये वो जो आप देख रहे हो वो टेंपल, वहाँ पर हम लास्ट टाइम गए थे। और जो खंडित टेंपल है वो ये है।
काफ़ी एंड हो चुका है, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करा रहे हैं। तो ये जो फोर्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, ये पड़ता है नॉर्थ इंडिया के राजस्थान स्टेट में। भानगढ़ एक बड़ा फेमस फोर्ट बन चुका है। आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे कि इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में नंबर वन पर ये आता है। 5:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं है, 5:50 के बाद यू कैन नॉट एंटर इनसाइड द टेंपल, इनसाइड द फोर्ट, सब कुछ क्लोज हो जाता है। और आप इस ये फोर्ट जो बनाया गया था चारों तरफ से घिरा रहा है पहाड़ी की साइड से, ताकि कोई पुराने टाइम पर कोई अटैक ना कर पाए। आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका एक मेन गेट यहाँ से ओपन था, बाकी साइड से बैक साइड से सारा क्लोज। हर जगह कोने पे एक एक टेम्पल है, एक टेम्पल ये और एक टेम्पल वो, एक टेम्पल ये और एक टेम्पल वो। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। एक ये गेट है इधर साइड में, देख रहे हो आप कैसा मतलब तक खड़ा हुआ है साइड में। कोई भी पुराने टाइम में ये गेट एक कमरा हुआ करता होगा, उसमें ये रखने का एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब जगह ये रखने की है छोटी सी। पुराने टाइम में वुडन वर्क होता होगा इधर के साइड में। अब इधर की साइड आ गया हूँ, जीना है इसकी साइड में। अब मैं यहाँ नीचे की तरफ चलता हूँ, बाकी ये पोर्शन आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ जैसा है, और फिर मैं ये नीचे की तरफ चलता हूँ। जो स्टेयर्स बनी हुई है ये सही पूरा मेंटेन नहीं कर पाती इस साइड में। ये देखिए मैं अब टेम्पल से बाहर की साइड में मैं चल रहा हूँ यहाँ से, देख रहे हो गाइस फोर्ट कितनी हाइट पे मैं आ चुका हूँ। ये देखो फोर्ट की गहराई, नाग दिखाता हूँ आपको। अभी मुझे वहाँ एंड में धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ से निकल के वहाँ पार्किंग में पहुँचना है। और ये फोर्ट का एंड है, इसके पीछे कोई फोर्ट नहीं है, इसके पीछे पूरा माउंटेन की पूरी बॉर्डर लाइन आप देख सकते हो। बड़ा सेफ फोर्ट ये माना जाता था उस टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप देख रहे हो मैं आपको चारों तरफ मैंने आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये इसका यही एक फोर्ट के आने की एंट्री है। इसकी फोर्ट की जो कहानी है बड़ी अजीब और गरीब है, मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते, पर रियलिटी वही है जो लिखा हुआ है। आप देख रहे हो, वो देखो धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करता हूँ। इस फोर्ट की बाउंड्री बनी हुई है, अभी देखिए ये देखिए पूरा ब्लर हो गया, ये फोर्ट की बाउंड्री बनी हुई है। आप देखिए मेरी फिंगर से ब्लर हो रहा है आने से, ये देखिए ये फोर्ट की पूरी चारों से बाउंड्री बनी हुई है, तो बहुत दूर है। और बैक साइड में ये पूरा पर्वत माउंटेन से घिरा हुआ है। वो टेंपल है, अंदर तो ज़्यादा मैं जा नहीं सकता, यहाँ ये मेंटेन करा हुआ है जालियों से। और यह चमगादड़ बहुत रहती है भाई, आपको देखो ये देख रहे हो आप चमगादड़ चिपकी हुई ब्लैक ब्लैक, तो भाई डेंजर वाली जगह है। तो मेरा डेंजर वाली जगह नहीं है, थोड़ा बी केयरफुल, ध्यान से यहाँ पर आपको आना है। टेम्पल है जहाँ पर मैं जा नहीं पा रहा, दिखा देता हूँ आपको। और पूरा वो फोर्ट मैंने आपको दिखाया, बाहर की साइड से ऐसे दिखता है। और यहाँ देखो मंकीज बैठे हैं, छेड़ना मत वरना ड्रामा कर देंगे। तो अब चल रहा हूँ इस टेम्पल की साइड में, मेरा मन कर गया अभी। मैं आपको ये जब आया हूँ तो आने का टाइम पता नहीं कभी कब मिले, लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो 2014 के आसपास हम लोग आए थे। आज अप्रोक्स 8 ईयर्स कम्प्लीट हो गए हैं, तो 8 साल बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो सोच रहा हूँ पूरे वीडियो बना ही लूँ। ये मंदिर खंडित नहीं है, इसमें पूरे के पूरे भगवान जी हैं। तो यहाँ पर पानी उस टाइम पे गिरता था, अभी पता नहीं कि यहाँ पानी अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं। थोड़ा बहुत पानी होगा लेकिन गंदा हो गया। हम जब पहले कभी 8 साल पहले आए थे गाइस, तो ये बड़ा पानी बहुत क्लीन था, और उस पानी का जो एरिया यहाँ से यहाँ पर ये पानी में आता था, तो हम लोग यहाँ पर नहाए थे। अभी तो ये गंदा पानी हो गया, शायद पता नहीं कैसे
ये टेंपल एक और इस्कॉन पे बना हुआ है, वो टेंपल इस्कॉन पे बना हुआ है और एक ये टेंपल इस्कॉन पे बना हुआ है, सोमेश्वर टेंपल। पूरी टाइम के ऊपर जाने की सीढ़ियां और रास्ता भी बंद कर दिया है। ये शिवलिंग कितना पुराना बना हुआ है, ये सीढ़ी ऊपर जाने की ब्लॉक है। बैक साइड में टेंपल के मैं घूम रहा हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो दिखा सकूँ यहाँ से। ये देखिए ये पोर्शन यहाँ से दिखता है, पीछे की तरफ रह गया और मैं एंड की तरफ आ गया हूँ। देखो एंडिंग जो स्टार्टिंग गेट है अभी फिलहाल एंडिंग गेट है। और ये भानगढ़ का एक फोर्ट था जिसकी आपने ये वीडियो देखी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और तो ज़्यादा मैं डिटेल से दिखा नहीं पाया क्योंकि अकेला हूँ तो ज़्यादा डिटेल में आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फोर्ट बहुत बड़ा है तो बड़ा डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना। थोड़ा थोड़ा जो भी शॉर्ट में दिखाया है बस आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, आप यहाँ पर घूम सकते हो आके। तो गाइस मेरा चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। और ये अपने दो पिल्ले हैं दोस्त, ये सुमित बैठा हुआ है इसके अंदर गाड़ी के अंदर, ये सिद्धार्थ बैठा हुआ, ये सुमित देख रहा है अंदर, सुमित सिद्धार्थ वीडियो के अंदर। ये गए थे नहीं, एनर्जी स्टेमिना कम है, अंदर टेंपल में गए नहीं, थक गए पहली भाग का आ गए डर के मारे। और अभी वीडियो हो गई है एंड गाइस, तो कल की तरफ कहीं और जाएंगे तो आपको बताएंगे हमारा क्या प्लान है। तो अभी हम निकलते हैं एंड की तरफ, आप फिर देख लो साइड में। पूरी गाड़ी लाल कर दी है, ये देखो चौधरी साहब फर्स्ट, चौधरी साहब टू, चौधरी साहब मेरे व्यूअर्स को हाय हेलो तो कर दो प्लीज एक बार। ये दोस्त हाय नहीं फ्रेंड्स, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये आज से कम 10 या 11 साल पुरानी फोटोज हैं। जब भी हम तीनों फ्रेंड्स साथ आए थे तो उस टाइम पे तो इस फोर्ट में कोई भी आसानी से मतलब कोई भी आता नहीं था, बहुत हॉन्टेड था, लोग बड़े डरते थे। उस टाइम पे हमने इस फोर्ट में 11:30 बजे रात को एंट्री की थी, ये देख सकते हो उस टाइम की इमेजेस, उस टाइम पे ये फोर्ट ऐसा दिखता था। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you.